नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। पिछले कई दिनों से बिहार की सत्ताधारी गठबंधन एनडीए में बयानबाजियों का दौर जारी है। कभी बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल में डालने की बात करते हैं, तो कभी जेडीयू के नेता मुख्यमंत्री पर उंगली उठाने वालों का उंगली तोड़ने की बात करते हैं और साथ ही ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करते हैं। लेकिन इस आग में घी डालने का काम करते हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी, जो लगातार बीजेपी पर हमलावर रहते हैं और नीतीश कुमार को बचाने के लिए बीजेपी से कई गंभीर सवाल भी खड़े कर देते हैं। एक बात तो तय है कि हाल के दिनों में बिहार की एनडीए सरकार में एक गजब की खलबली मची हुई है, जो खुलकर सामने तो नहीं आती है लेकिन रह रहकर उसमें आग की लपेटें काफ़ी ज़्यादा तेज दिखाई देती है। अब हाल ही में बिहार सरकार में मंत्री और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भी एक याद दिलाया है एनडीए सरकार को कि हमने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था। अभी ज़रूरी है कि हम उस रोज़गार के वादे को पूरा करने के लिए काम करें, ना कि बेवजह बयानबाजियां करें। मुकेश सहनी काफ़ी कम बोलते हैं, वो ज़्यादा कुछ बोलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। हाल के दिनों में भी हमने देखा था कि उनका और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक गुप्त बैठक भी हुआ था, जिसके बाद पंचायत प्रतिनिधित्व को लेकर उन्होंने बिहार सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। और एक बार फिर अब मुकेश सहनी ने बिहार सरकार को याद दिलाया है कि हमारे कुछ वादे भी हैं जो हमने बिहार की जनता से किए हैं, बिहार के युवाओं से किए हैं, और उसमें एक वादा है 19 लाख रोजगार। मुकेश सहनी ने आखिरकार इस एनडीए सरकार में मची खलबली के दौरान ही 19 लाख रोजगार का ये वादा क्यों याद दिलाया, ये तो वही बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन उनके ट्वीट को आप देखिएगा तो आप पढ़ेंगे, वो लिखते हैं, एनडीए गठबंधन के साथीगण से अनुरोध है कि अनावश्यक बयानबाजी से बचें। हम सब मिलकर बिहार की जनता से किए गए 19 लाख रोजगार के वादा पर हमें काम करना चाहिए। ये मुकेश सहनी ने अभी हाल ही में ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो बिहार में बयानबाजियों का दौर चल रहा है उस पर मुकेश सहनी की ये प्रतिक्रिया है। बिहार में लगातार पिछले कई दिनों से बीजेपी, जेडीयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। लगातार जिस तरह से बयानबाजियों का दौर एनडीए गठबंधन में पिछले कई दिनों से जारी है, उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये गठबंधन की सरकार क्या 5 साल अपने कार्यकाल को पूरा कर भी पाएगी, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के ही कई बड़े और कद्दावर नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी शासन को लेकर सवाल खड़े किए थे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए थे। इसके अलावा हाल ही में टूना पांडे, जो कि अब बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए हैं, बीजेपी के MLC थे सिवान से, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री करार दिया था और उन्हें जेल में डालने तक की बात कर दी थी। उसके बाद जेडीयू के नेता भड़क गए थे। खुद जेडीयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इसको लेकर संजय जायसवाल से सवाल पूछे थे। जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, उन्होंने भी बीजेपी से सवाल किया था। इसके अलावा जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने तो साफ तौर पर कहा था नीतीश कुमार पर उंगली उठाने वालों का उंगली तोड़ दिया जाएगा और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और उसके बाद जिस प्रकार से जीतन राम मांझी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, और उनके प्रवक्ता ने तो ये भी कह दिया कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, मतभेदों का दौर जारी है। और उसके बाद अब वीआईपी पार्टी ने भी इस खलबली में एंट्री मार दी है और अपने 19 लाख रोजगार का वादा याद दिलाया है। ये 19 लाख रोजगार का वादा बीजेपी की तरफ से सबसे ज़्यादा किया गया था जब बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, जब नेता प्रतिपक्ष ने 10 लाख नौकरियों देने का वादा किया था। उस दौरान बीजेपी के खासकर नेताओं ने 19 लाख रोजगार देने का वादा बिहार के युवाओं से किया था और अब मुकेश सहनी ने उसी 19 लाख रोजगार के वादों को याद दिलाया है। और जाहिर तौर पर इनडायरेक्टली मुकेश सहनी ने बीजेपी पर ही हमला किया है कि अनावश्यक बयानबाजियों से बचिए और जो 19 लाख रोजगार का आपने वादा किया था
उस पर काम करिए। अब देखते हैं कि क्या बिहार के युवाओं को 19 लाख रोज़गार जो देने का वादा बिहार सरकार ने किया था चुनाव से पहले, क्या वो अपने वादों की तरफ मुड़ेगी, क्या उस पर काम करेगी, या फिर एनडीए में जो खलबली मची हुई है वो आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। ये सब भविष्य की बातें हैं। जिस प्रकार से जो भी अपडेट होंगे हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। रोज़गार का मुद्दा चुनावों तक ही रहता है, चुनावों के बाद उन मुद्दों को भुला दिया जाता है, और ऐसा ही लगता है बिहार में भी हुआ है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।